हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुष्मिता पाठक। कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है हॉस्पिटल से, ऑब्वियसली, क्योंकि अभी मेरा 8th मंथ चल रहा है, यानी कि लास्ट ट्राइमेस्टर का 8th मंथ स्टार्ट हो चुका है, जिसमें से कुछ वीक्स निकल भी चुके हैं। तो दैट मीन्स कि अभी डिलीवरी के काफ़ी नज़दीक हुए हैं। और सेकेंड थिंग ये कि जब से मैं यहाँ पे आई, मैंने कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं करा, तो मुझे वो करवाना है। इसके बाद मैं आपसे मिलूंगी थोड़ी देर के बाद। तो चलते पहले फातिमा हॉस्पिटल में, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आप तो शक्ल भी लग रही है आपकी, बाहर क्या आइए। इधर अभी जस्ट छोड़े हैं सब, अभी जस्ट छोड़े हैं सब। किधर भाग रही हैं? क्या भाग रही हैं? मैम दो लोग मतलब रहने घर का पूरा रहता है ना? हाँ वही तो जल्दी चलो। ये कितने का बेटा? कोई है क्या मैम? मैंने पूछा अगर नहीं मिलता तो पहले से बुकिंग करना चाहे तो बोल रही है कर सकते। तो जी फाइनली हम लोग हॉस्पिटल पूरा विजिट कर लिए और अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कैंटीन में। अच्छी बात ये कि यहाँ पे कैंटीन 2-3 फ्लोर पे है, तो अच्छी चीज़ है ये। तो फिर अभी कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि अभी अल्ट्रासाउंड में थोड़ा टाइम है, क्योंकि जो डॉक्टर है वो भी आए नहीं हैं, उनको दिखाएंगे। देन हम लोग रिपोर्ट्स लेकर के डॉक्टर को भी दिखाने वाले हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बारिश वगैरह की वजह से बहुत निकल नहीं पा रहे हम लोग, इसलिए हम आज के आज ही डॉक्टर को दिखा भी लेंगे, ताकि हमें बार बार गली से निकलना ना पड़े। क्या आपके उनसे पसीना हो गया, खाइए एकदम। सबसे पहले आप ही खाइए ना, भूख लगाइए। नहीं पूछा था मैंने, तो ये वो अल्ट्रासाउंड नहीं था, जैसे लोग मशीन रखती है ना उसमें चेक करती हैं कि जो है जैसे पोजीशन क्या है, पीछे की तरफ है, आगे की तरफ है बच्चा, जो पानी की शायद 5वें महीने का जो था, जिसमें वो चेक करवाते हैं कि कोई जेनेटिक इशू वगैरह नहीं है। इसके बाद होगा ये इनका नॉर्मल वाला होगा, अब इसके बाद अगर डॉक्टर को जरूरत पड़ेगी तब होगा, नहीं तो नहीं होना चाहिए। फिर वही लास्ट टाइम पे एकदम होगा जब होने वाला टाइम आएगा। वो वहाँ वाली ना वो खुद करती थी वहाँ पे, तो यहाँ वाली तो नहीं पता, उस दिन दिखाया बोली थी सब ठीक है, वही सेम वही चीज़ें करवाई थी जो स्टार्टिंग जब लोग दिखाने आते हैं ना, तो वही था और कुछ था नहीं उनका। उसमें हेपेटाइटिस वगैरह था भाई, जो कि करने कोई मतलब नहीं था, पहले हो चुका था सब। नहीं साफ सफाई तो है नहीं, जो इस तरीके के होते हैं ना, जो गवर्नमेंट होते हैं या फिर इस तरीके, उसमें सफाई ऐसे ज़्यादा होती है, मेन उसमें नहीं होते, जो सरकारी वाला मेन वाला जो होता है। सो गाइस फाइनली हम आ गए हैं घर पे और आकर के मैंने चेंज किया। मैंने सोचा कि चलो एक अपडेट देते हैं, बिकॉज आज की जो वीडियो है उसमें कोई मैं व्लॉगिंग नहीं करना चाहती थी, मैं चाहती थी एक रॉ वीडियो आपके पास जाए जिसमें मैं सारी अपडेट दे सकूं, बिकॉज पिछले कई दिनों से कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ, उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं। एक तो खुद मेरा मन नहीं कर रहा है, दूसरा चीज़ ये कि आई थिंक मेरा हस्बैंड के साथ लास्ट वीडियो बनाई थी जो बनी थी, उसके बाद से मेरा बिल्कुल मन नहीं किया था। एक तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए लाइफ में, होता नहीं है कि जगह चेंज, लोग चेंज, सब कुछ चेंज, तो बिल्कुल मन नहीं करता। अभी तक मौसम भी नहीं था, अब जाके मैं थोड़ा सा वीडियोज़ वगैरह बनाऊंगी, बिकॉज जो मेरा ये 8th मंथ का स्कैन था ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा थी वरी थी, क्योंकि मेरा जो लास्ट स्कैन हुआ था वो 6th मंथ में हुआ था, तो 6th मंथ के एंड में हुआ था। तो मेन चीज़ ये है ना कि जो है 7 से ही मेन प्रोग्रेस होती है बेबी की,
जो भी बेबी के वेट में चेंजेस आता है वो 7, 8, 9 मंथ में आता है, स्पेसिफिकली 8th में तो आता ही आता है। तो लकीली जो आज की रिपोर्ट है वो कुछ अच्छी भी है, कुछ ऐसी भी है जो मेरे पल्ले नहीं पड़ी है, जो कि मुझे डॉक्टर को दिखाना, हम दिखाने गए थे बट डॉक्टर बैठी नहीं थी, सो उनको दिखाएंगे। बट अभी जितना मुझे समझ में आया उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा जो है अपडेट करती हूँ अपने रिपोर्ट्स के बारे में। जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से जो है जो लाइक फेटल का हार्ट रेट है वो सब कुछ एकदम परफेक्ट है। एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है जो कि मतलब मुझे आज बहुत अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिली है उससे मुझे, विच इज़ की जो है इसमें मेरा जो लास्ट लाइक रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है सेफेलिक प्रेजेंटेशन, जिसका मतलब ये होता है कि जो बेबी का हेड है वो नीचे की तरफ है, दैट मीन्स कि इसे इसमें चांसेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। तो ऐसा होता है क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है बच्चा बेबी ऊपर की तरफ होता है, बट अभी एंड मतलब टाइम चल रहा है 8th मंथ का, तो आप समझ सकते हो कि मतलब अभी कितना ज़्यादा प्रीशियस टाइम होगा ये। और अभी मतलब मुझे ये पढ़ के थोड़ा अच्छा भी लगा, मैंने नेट पे भी पढ़ा, कई चीज़ें समझी इसमें क्या चीज़ें होती हैं। बस एक चीज़ है जो कि मेरे को बहुत पल्ले नहीं पड़ रही है, दैट इज़ प्लेसेंटा पोजीशन, उसके साथ में है ये चीज़ें। तो थोड़ा सा मतलब मुझे डाउट लग रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है जब मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, और वैसे तो पॉजिटिव ही मैंने पढ़ा है, बट फिर भी एक केस था जिसको मैंने पढ़ा, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं डॉक्टर जब तक कन्फर्म ना कर दे तब तक खुश होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा मैं इसके साथ साथ में अपना रूटीन जो है स्टार्ट कर दी हूँ। देखिए मैं स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रही थी, करना चाहिए बट मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है, बिकॉज मेरे डॉक्टर ने भी अलाउ नहीं किया था कि बहुत ज़्यादा करना है। स्पेसिफिकली जो उन्होंने स्टार्टिंग से बोला था कि 20 मिनट की वॉक करनी है खाने के बाद में, जब भी कोई भी डाइट आपने मील लेनी है उसके बाद आपको वॉक करना है, तो वो मैंने किया है, कई बार भूली भी हूँ ये भी हुआ है। बट अभी प्रॉपर 40 मिनट की जो है मेरी वॉक चालू है, इसके साथ साथ कुछ पेल्विक मसल को स्ट्रेच करने के लिए कुछ योगासन है जो कि मैं कर रही हूँ, जिसकी मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगी, बिकॉज अब देखा जाए तो एक लास्ट टाइम ही चल रहा है अगर देखा जाए तो, क्योंकि किसी का 9th मंथ में होता है, किसी किसी का बहुत पहले हो जाता है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं सोच के चलूँगी कि कब होना, मैं बस ये सोच के चल रही हूँ कि मैं अपना काम कर रही हूँ, बाकी चीज़ें मैंने पापा पे छोड़ दी है, कि जैसे अभी तक सारी चीज़ें पॉजिटिव गई हैं आगे भी पॉजिटिव जाएंगी। एंड इसके साथ साथ कुछ आप लोग के क्वेश्चंस थे जिसको मैं तुरंत पिक कर लेती हूँ, ताकि इसी वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं आपको जो है बता दूँ। सो गाइस फाइनली अभी हम बात करने वाले कुछ ऐसे टॉपिक या ऐसे क्वेश्चंस के जिसके रिप्लाई देने बहुत ज़रूरी हैं। लाइक एक क्वेश्चन कई बार मेरे से पूछा जा रहा था कि आपने बेबी की फर्स्ट किक जो है कब आपने फील की है, तो मैंने 5th मंथ के एंड में जो है करवाया था एंटी स्कैन, नहीं एनाबॉलिक स्कैन करवाया था, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लाइक होता नहीं कि बहुत ज़्यादा दबा दिया जाता है, तो एक होता नहीं कि मूवमेंट उस टाइम पे मुझे फील हुआ था, दैट मीन्स कि स्कैन होने के बाद जब मैं घर पे आई हूँ प्रॉपर लेटी हूँ तो मुझे फील हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि उसके पहले कभी ऐसा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ। अब वैसे भी बोलते हैं कि फील आपको तभी होगा जब आप लेटे हुए हो, तभी आपको समझ में आती है मूवमेंट्स स्टार्टिंग में, और वैसे भी अगर आपका फर्स्ट मतलब कंसीव है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो आपको लेट में ही पता चलता है। तो मेरा 5th मंथ का एकदम एंड था, दैट टाइम मुझे फील हुआ, देन धीरे 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 रेगुलर फील होने लग गया, तो फिर मेरे को समझ में आ गया था। और जब मेरे को फर्स्ट टाइम फील हुआ तो मैं लिटरली घबरा गई थी, क्योंकि अचानक से ऐसा लगा कि कुछ रेंग गया पेट में, तो ऐसा होता नहीं है कि कभी आपने ना देखा तो आप घबरा जाते कि ये क्या हो गया, तो ऐसा वाला था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि 7th मंथ में आपको क्या क्या चेंज दिखा, तो 6th मंथ तक तो सब कुछ प्रॉपर एकदम बढ़िया चल रहा था, बट जो 7th मंथ का रहा देन मेरे को स्टार्ट हुआ है लोअर पोर्शन में जो है पेन, यानी कि बैक साइड में लोअर पोर्शन में पेन स्टार्ट हुआ है, लाइक स्टिफनेस हो जाना, बहुत ज़्यादा उठने बैठने में दिक्कत भी किस वे में था, लाइक अगर आप लेटे हो लेफ्ट करवट लेना या राइट करवट लेना, दैट टाइम मतलब पेन होता था मुझे। थैंकफुली बैक का इतना ज़्यादा पेन कभी नहीं हुआ मुझे, कभी कभार बीच बीच में हो जाता जब लगातार मैं बैठ जाती थी सपोर्ट लिए बिना, या कुछ ऐसा मेरे से ही गलती होती थी तभी होता था। नेक्स्ट एक ये था कि मैंने जो इधर इतना ट्रैवल किया है 7th मंथ में, उसकी वजह से स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, जो कि कई दिन के बाद मेरी सही हुई है, तो इस तरीके के चेंजेस थे। और इसके साथ साथ मैंने जो अभी रिसेंटली जब डॉक्टर को दिखाया 7th मंथ में आके, मैंने दिखाया 7 मंथ के बाद एक्चुअली, क्योंकि उस टाइम पे मेरा बेबी शावर वगैरह था तो वो एकदम एंड में हुआ है, और उसी के बाद मैं डॉक्टर को दिखाई तो उन्होंने मतलब सारा ब्लड टेस्ट वगैरह कराया, तो उसमें ब्लड थोड़ा सा कम था, बिकॉज इस टाइम पे जो बेबी की ग्रोथ होती है वो बहुत तेजी से होती है, तो ब्लड आपका थोड़ा कम होता ही होता है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि जो है 8 to 10 जो है आपको खाना है खजूर, जो कि मतलब मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि 8 to 10 मतलब बहुत ज़्यादा होता है, बहुत गर्म करता है, तो उन्होंने बोला भी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इस टाइम पर आप खा सकते हो, इस टाइम पर आपको कोई भी चीज़ कोई इशू नहीं करेगी। और तो मैं अब 8 से 10 तो नहीं खाती हूँ, कि जो है भाई 8 से 10 बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना तो नहीं खाती, बट हाँ 4 से 5 कोशिश करती हूँ। और वैसे बोलते हैं कि अगर आप लगातार खजूर खा रहे हो 5 to 6 डेज, मैंने किसी डॉक्टर का देखा था, डॉक्टर सुप्रिया पुरानी करके हैं, उनका मैंने वीडियो देखा था, तो उन्होंने बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि खाने से ऐसा होता है कि नॉर्मल आपको पेन्स आ जाते हैं, तो उसमें यह था कि 5 to 6 अगर आप जो है लाइक खजूर खाते हो रोज परमानेंट, मतलब आई थिंक 8th मंथ से,
तो जो है आपका जो नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। तो मेरा वैसे भी था कि ब्लड को बढ़ाने के लिए खाना था, तो मैंने खाना शुरू किया। तो अभी राइट नाउ ना मेन जो दिक्कत हो रही है वो हो रही है पेल्विक मसल में, जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है, तो उसकी वजह से उठने बैठने में होता नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होना, पेन होना, तो वो चीज़ है, थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। और ऑब्वियसली अभी एकदम आप एकदम एंड पे जब आ गए हो तो आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो दिक्कतें होंगी। एंड थैंकफुली अभी तक मेरे को गैस्ट्रिक इशूज़ नहीं हुए हैं, बहुत रेयर हुआ है पूरे, अगर प्रेगनेंसी की बात करूँ बहुत रेयर मेरे को जो है गैस्ट्रिक इशूज़ हुए हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी रही है, क्योंकि लोगों को जलन बहुत ज़्यादा होता है गले में, और यहाँ पे सीने पे जो जलन होती है ना वो बहुत ज़्यादा, तो वो मेरे को हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है, बहुत रेयर हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके अलावा अभी मैंने डाइट में जो कुछ चीज़ें चेंज की है वो है ड्राई फ्रूट्स में चेंज लाया मैंने, क्योंकि जो 8th मंथ होता है ना वो आपका सबसे ग्रोइंग जो है होता है बच्चे के लिए, यानी कि आप अचानक से जो है जहाँ आपका 6th मंथ में बेबी का जो है जो वेट होता है वो होता है 850 के या 900 के ग्राम के करीब होता है, वो अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो इस टाइम पर ना आपने जो सबसे ज़्यादा चीज़ें खानी वो है ड्राई फ्रूट्स, और उनको भिगा करके खाना है और ज़्यादा क्वांटिटी में खाना है। तो अभी मेरा जो सुबह का रूटीन होता है ना वो सबसे पहले जो होता है वो कम से कम 8 से 10 में बादाम खाती हूँ भिगा के रखती, वो हो गया मुनक्का हो गया भिगा के रखती हूँ, खजूर हो गया 2 से 3 खा लेती हूँ, और अखरोट हो गया, अखरोट की भी क्वांटिटी मैं इस टाइम पे बढ़ा दी हूँ, बिकॉज अभी क्या ना ब्रेन का भी जो है बढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा विकास होता है ब्रेन का और पूरी बॉडी का ही होता है, तो इसलिए जो है ओमेगा 3 मिलना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं एक टाइम पे अलसी भी ले रही हूँ इस टाइम पे, मतलब मेरी पूरी कोशिश है कि मैं किसी तरीके से सब चीज़ें खा सकूँ, बिकॉज जो ये टाइम है ग्रोथ का ना यही आपका जो है आगे बताएगा कि बेबी की ग्रोथ में कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसा कि मैंने अभी देखा तो मेरा जो बेबी का ग्रोथ था सब कुछ परफेक्ट जा रहा था, यानी कि हेड वगैरह का जो भी था सब कुछ एकदम परफेक्ट था, जितना वीक है उतनी ही वीक की ग्रोथ भी दिखा रही है। अच्छा, कई मैंने एक दो केस देखे जिसमें ऐसा हुआ था कि उन्होंने लाइक अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया था, तो उनको नहीं पता था, मैंने किसी का केस देखा था जिसमें यह था कि 20 दिन अल्ट्रासाउंड ना लेट करवाया उन्होंने, जिसकी वजह से उनको ये नहीं पता चला, क्योंकि बेबी का जो माइंड है वो कम से कम 3 वीक कम जो है डेवलप हुआ था। 3 वीक कम डेवलप होना इसका मतलब है कि आगे चल के उसको माइंड की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। जो लोग कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं है, एटलीस्ट जब डॉक्टर बोले तो ज़रूर करवाना चाहिए, और उससे ना पता चलता है कि बेबी में कोई प्रॉब्लम हो रही नहीं। मैंने जिनका केस देखा था उनका देखा था मैंने कि 36 वीक वो उनका जो है ऑलरेडी रनिंग चल रहा था प्रेगनेंसी, एंड जो बेबी का जो हेड का जो बोलते हैं ना ग्रोथ होता है वो 32 वीक्स में, मतलब कि 3 से 4 वीक जो है कम हो गया था उनका। अगर ये चीज़ उनको पहले पता होती तो वो अच्छे से और खाते पीते, अपना डाइट बढ़ाते, वो सब चीज़ें अच्छी करते, ठीक है। और डाइट बढ़ाने मतलब ये नहीं कि खाने की क्वांटिटी बढ़ानी, आपने वो चीज़ें खाने जिससे बेबी की ग्रोथ हो सके, दैट इज़ ओमेगा 3। नेक्स्ट जो मैंने और चेंजेस लाए हैं वो है कि मेरे एक्चुअली इस टाइम पे मेरी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, जो कि मतलब मुझे इरिटेट भी कर रही है, क्योंकि पिछले 10-15 दिन से ऐसा हो रहा है कि मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है, अब 3-3 बजे आ रही, 4-4 बजे आ रही है, ऐसे आ रहे तो ऐसे में भाई भूख भी लगती है, तो उल्टा सीधा इंसान खा भी लेता है, चाय बनाना ये वो मैं कर ही रही हूँ, बट अभी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी तो जो मजबूरी है खाना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ। नेक्स्ट थिंग जो मैंने सबसे ज़्यादा बढ़ाई है वो है प्रोटीन, जहाँ मैं पहले 100 ग्राम्स पनीर ले रही थी, अभी मैंने धीरे धीरे ट्राई किया है कि एक एक दिन के ऑल्टरनेटिव, या तो जो है कभी कभी हो जाता है नहीं आ पाता है, या कभी कभी आ जाता है ऐसे करके हो रहा है, लेकिन कभी कभी गैप भी हो जाता है मेरा, तो 200 ग्राम पनीर मतलब अभी मैंने स्टार्ट किया है, 1-2 दिन से किया है, अभी ज़्यादा नहीं किया है। नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चंस हो गए, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, जैसे कि आज मैं गई थी चीज़ें फाइनल करने कि हमें कहाँ पे क्या चीज़ करनी है, कि मेरा डिलीवरी कहाँ पे होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत टाइम से था, तो राइट नाउ अभी आज आपको जवाब मिल ही गया होगा, क्योंकि हम हॉस्पिटल में सब कुछ देखने गए थे, तो दैट मीन्स कि यहीं पे होना है, बट हाँ इसके पहले जो डिसाइडेड था वो 2-3 जगह पे हो चुका था, बिकॉज जो मेरे पास ऑप्शन थे डिलीवरी के लिए वो 3-4 जगह थी। पहला था कि धानो जहाँ मैं रहती थी हस्बैंड के साथ में वहाँ पे था, जो कि मेरे हस्बैंड का मन था, मेरा मन था, क्योंकि वो जो डॉक्टर से था चीज़ें ना बॉन्ड था एक बोल सकते हैं, वो बहुत अच्छा था, तो वो था कि मुझे वहाँ करवाना, बट कुछ इश्यूज आ गए, वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी, और थोड़ा प्रॉब्लम ये भी था कि मतलब अगर मेरी मदर इन लॉ होती तो फिर यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती, तो फिर वही था ना कि फिर मैंने सोचा कि मैं ही एडजस्ट कर लेती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ, तो ये चीज़ था। दूसरा जो ऑप्शन था वो था मेरी मम्मी के पास जाने का, तो वो तो मैंने कट कर दिया था, क्योंकि वो परेशान हो जाते अकेले, फिर वो चीज़ उतनी नहीं हो सकती। बट जो तीसरा ऑप्शन था वो था कि भाई के पास जाने का, क्योंकि भाई ने बोला था कि आप तुमको जैसा हो अपना डिसीजन बताओ, तो फिर वहाँ भी जाने का ऑप्शन था। चौथा जो ऑप्शन था जो कि सबसे बेस्ट था मेरे लिए, जो मैं मानती हूँ, वो था मेरी दीदी के पास जाने का, क्योंकि वहाँ के जो एक डॉक्टर हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, वो नई मुंबई की डॉक्टर काफ़ी अच्छी डॉक्टर हैं, और उनके यहाँ जो चांसेस मतलब 90% होते हैं वो होता है कि नॉर्मल डिलीवरी का। बट बहुत सारा डिस्कशन, बहुत सारी चीज़ें सोचने के बाद मैंने फाइनल डिसीजन मेरा ही है, तो मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि ठीक है मैं घर ही आती हूँ, बिकॉज होता है ना कि लाइक घर का जो पहला बच्चा होता है उसको तो घर वालों को बहुत शौक होता है, क्योंकि मैं उस चीज़ को फील की हूँ, मैं उस घर मतलब चीज़ से निकली हुई हूँ, तो मुझे पता है कि सबको कितना शौक होता है। मेरे घर में तो ऑलरेडी से बच्चे हो गए, तो वो वाला क्रेज़ नहीं रहेगा जो इस घर में रहेगा, तो इसीलिए फिर मैंने फाइनल डिसीजन लिया
है ठीक है यहीं पे करवाएंगे। फिर यहाँ पे जो हॉस्पिटल हुआ फातिमा फाइनलाइज हुआ है वो अच्छा हॉस्पिटल है। एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जब भी आप अपना डिलीवरी के लिए कोई चीज़ फाइनल करो ना तो 2 से 3 बात को ज़रूर याद रखो। पहली चीज़ होती है ऐसा हॉस्पिटल खोजो जहाँ पे गायनो बहुत अच्छी हो और उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो, ठीक है। मेन चीज़ ये होता है कि उनके एक्सपीरियंसड हों, ठीक है। तो जो ये डॉक्टर हैं, ये ममता नाम है इनका, ये जो है आई थिंक मेडिकल कॉलेज में भी दिखती हैं, इनका खुद का हॉस्पिटल भी है, ये फातिमा में भी दिखती हैं। तो डॉक्टर का सुना नाम बहुत अच्छा है, और घर के एक दो केस ऐसे हुए थे जो कि बहुत क्रिटिकल हुए थे, उनके पास गए थे तो अच्छा हो गया था उनका, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो है कि अपने से ज़्यादा बेबी का ध्यान देना, इसलिए आपको ये देखना है कि ऐसा हॉस्पिटल चूज़ करो जहाँ पर बेबी का डॉक्टर ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको कहीं और जाना पड़े। ऐसे केस में बहुत बार दिक्कतें होती हैं कि लाइक बेबी ने कभी जो है लाइक गंदा पानी पी लिया, ऐसा कुछ हो गया, तो उसमें जो नॉर्मल गायनो होती है वो कुछ नहीं कर सकती हैं। तो इसीलिए ऐसा हॉस्पिटल चूज़ करो जहाँ पर जो है एटलीस्ट बेबी के लिए भी केयर करने के लिए डॉक्टर होने चाहिए, स्पेशलिस्ट होने चाहिए। तीसरी चीज़ NICU होना चाहिए हॉस्पिटल में, कंपलसरी है, कहीं आपको दूर जाना पड़े उतनी देर में अनहोनी हो जाती है। चौथी चीज़ अल्ट्रासाउंड वगैरह का सब कुछ होना चाहिए, तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर है, तो इसीलिए ये हॉस्पिटल को और चूज़ किया गया है। और घर के एक दो क्रिटिकल कंडीशन का केस भी था जो कि वहाँ पे सॉल्व हुआ है, तो इसलिए फाइनल यहाँ पे हुआ है। एंड हमने फाइनल रूम वगैरह भी देख लिया है, तो अभी सोचा तो यही कि डिलक्स रूम हम जो है करेंगे ट्राई, क्योंकि वो रूम बड़ा भी था और काफ़ी साफ़ सुथरा था। मेन चीज़ ये कि हॉस्पिटल में हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, एकदम साफ़ सफाई। पेशेंट जाता है तो प्रॉपर एकदम क्लीनिंग, केमिकल वगैरह डाल के जो भी होता है सब कुछ अच्छे से किया था, तो मुझे अच्छा लगा हाइजीन के मामले में। तो फाइनली हमने जो अभी आपने जो देखा वीडियो, उसमें जो आई थिंक जो लास्ट वाला था, जो सबसे बड़ा वाला रूम था, वो हमने फाइनल किया है। बाकी अब उस टाइम पे देखेंगे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, वो सब तो बात की बात है। और बाकी मैंने आज सारा कुछ देख लिया है, NICU देख लिया है, जनरल वार्ड देख लिया, सब कुछ देख लिया, मतलब जितना भी हॉस्पिटल में देख सकते सब हमने एक आइडिया ले लिया, बिकॉज टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा था। सो ओवरऑल अब जो है डिलीवरी का जो प्रोसेस है शुरू ही होने वाला, बहुत टाइम अब नहीं रह गया, तो मैं इसके बाद जो वीडियो डालूंगी वो होगी जो है एक्सरसाइज की। और मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं डालने वाली हूँ, मैं वो डालने वाली जो मैं इस टाइम पर लिटरली कर रही हूँ, ठीक है। कुछ लोग बहुत स्टार्टिंग से कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत लेट में करते हैं, आप वॉक करते रहो वो बिल्कुल मत छोड़ो। और अब मुझे बोलने में दिक्कत हो रही क्योंकि मैं लगातार बहुत बोल चुकी हूँ। और ओवरऑल बस इतनी चीज़ें मुझे अपडेट देनी थी। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो गए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ मेरे क्वेश्चन आपसे है कि इफ़ आप भी प्रेगनेंट हो तो क्या ये चीज़ आपके साथ में अभी भी हो रहा है कि लाइक अगर आपका 8th मंथ चल रहा है और आप अपने बेबी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे इन द सेंस कि मतलब बेबी का मूवमेंट आपको पता चलता है, सब कुछ अच्छा लगता है, बट आप वो वाली जो होता है ना, ये जो लगते लोगों में क्रेज़ होता है, आई डोंट नो वो मेरे में मिसिंग है या मेरे हाथ में आने के बाद वो चीज़ आएगी, बट मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ बहुत नेचुरल है, ये होता होगा, सबके साथ होता होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो अभी कहीं ना कहीं मन में घबराहट भी है कि कहीं कहाँ हम दो थे खाली, अभी तीसरा इंसान आने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खुशियाँ भी होंगी, बट एक होता नहीं घबराहट होती, तो शायद इसकी वजह से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही, या फिर चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हौच पौच में हुई इस वजह से, जो भी रहा होगा, मैं मेंटली प्रिपेयर इतना नहीं हो पाई, चाहे जो भी रहा हो, बट अभी देखते हैं होने के बाद कैसा क्या रहता है। और मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं झूठ नहीं दिखाना चाहती कि नहीं ओ माई गॉड मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल सी फीलिंग है, हाँ, बट ऐसा मुझे लगता है कि नॉर्मल है, ये होता होगा, सबके साथ होगा, हर कोई कनेक्ट नहीं कर पाता होगा। तो अगर आपके साथ में भी ऐसा हो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि कहीं मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है सिर्फ या सबके साथ ऐसा होता है। एंड आपके कोई सजेशन हो नॉर्मल डिलीवरी से लेकर के वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा जो भी आपके सजेशन होंगे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करूँगी बट रिसर्च करने के बाद। तो फटाफट से कमेंट कीजिए, जो भी आपके सजेशन हो, सलाह हो, विशेज हो, वो सब दीजिए। एंड इसके बाद ना बेबी शूट का कुछ जो है मैं डालने वाली हूँ, अपडेट करने वाली हूँ, जल्दी ही आपको जो है उसकी भी वीडियोज़ फोटोज सब कुछ देखने को मिलेगा। सो इंटरेस्टिंग है, जल्दी ही अपडेट करूँगी। बट फिलहाल अभी आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और जो जो लोग गोरखपुर से हैं नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो है कहाँ कहाँ से हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।